नक्सली मामले में दुमका पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 10 लाख के इनामी नक्सली सहदेव राय उर्फ तालादा को मार गिराया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दुमका के शिकारी पाड़ा के जंगल को नक्सलियों ने अपना गुप्त बसेरा बनाया हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एसएसबी के जवानों के साथ शिकारी पाड़ा के जंगलों में नक्सलियों की खोज शुरू की। हालांकि जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उस वक्त नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाकर नक्सलियों पर जवाबी हमला बोला और मुठभेड़ में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने नक्सलियों के जोनल कमांडर तालादा को ढेर कर दिया। तालादा पर पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहारी की हत्या समेत कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का मामला दर्ज है। ताला के ढेर होने के साथ ही बाकी बचे नक्सली वहां से फरार हो गए। इस मुठभेड़ में पुलिस को अत्याधुनिक हथियार के साथ कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये हमको इनपुट मिला था कि नक्सल दस्ता जो है यहाँ पर हाइड आउट बना हुआ है और कुछ एक्सटॉर्शन के लिए भी वे लोग प्लान कर रहे थे, कुछ कांड करने के लिए भी प्लान कर रहे थे। तो इसी बीच में हमको इनपुट आने के बाद जो है हमने अपने एडिशनल एसपी साहब और एसएसबी के जो 2IC साहब, डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट को सभी को जो हमने एक ऑपरेशन प्लान बनाए हैं और लॉन्च किए। कल रात से ही ऑपरेशन चल रहा था और आज सुबह जो है करीब 6 बजे के आसपास, जो है 7 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुआ है अपने एसएसबी जवान और दुमका पुलिस और नक्सल के बीच में। इसमें जो है अभी जहाँ तक हमको ये बॉडी का आइडेंटिफिकेशन जो है हमारे सूत्रों से पता चला है कि ये तालादा का बॉडी है और उनके घर पे भी हमने खबर करवाए हैं और इसका जो भी प्रक्रिया है, गाइडलाइंस है, NHRC का गाइडलाइंस है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, मैजिस्ट्रियल का इंक्वेस्ट है, पोस्टमार्टम जो प्रक्रिया है वो सारा चीज़ जो है हम यहीं पर उपस्थित होकर करवा ही रहे हैं। रिकवरी में जो है एक AK-47 है और एक इंसास है, अभी हम सर्च ही कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। 2019 ईस्वी का लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, ऐसे में राजनेता तो चुनाव की तैयारी करेंगे ही, नक्सली भी अपनी तैयारी करते हैं क्योंकि ये भी किसी न किसी राजनीतिक दल को चुनाव में जीतने का भरोसा देकर उससे धन उगाही करते हैं। दुमका का इतिहास गवा रहा है कि यहाँ पिछले कई इलेक्शन में नक्सलियों ने खूनी तांडव किए हैं, लेकिन इस बार जब नक्सलियों ने अपना पहला ही प्रयास किया, अपना हाइड आउट यहाँ बना ही रहे थे, तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली और पुलिस ने नामी गिनामी इनामी नक्सली तालादा की पुलिस ने उसके ही मान में घुसकर हत्या कर पुलिस के मनसूबे को चकनाचूर कर दिया है। इससे वैसे राजनीतिक दल जो नक्सलियों के बल पर चुनाव जीतने का मादा रखते हों या वैसे नक्सली संगठन जो यहाँ बड़े एक्सटॉर्शन के फिराक में रहते हैं, उनको भले ही धक्का पहुँचे लेकिन आम आदमी को बड़ा ही राहत मिलेगा और चुनाव भी फेयर हो सकेगा। दुमका से पंजाब केसरी के लिए वीरेंद्र कुमार झा।